ऐसा करने से रूठ जाते हैं भगवान। एक समझदार इंसान को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। जी हाँ, वो कौन से गुण हैं जिनसे भगवान रुष्ट हो जाते हैं, जिनसे प्रकृति, परमात्मा, नेचर हमसे रुष्ट हो जाती है। सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन से ऐसे अवगुण जो इंसान में बिल्कुल नहीं होने चाहिए, जिसके कारण भगवान उसे रुष्ट हो जाते हैं। सबसे पहला, किसी का दिल दुखाना। किसी भी व्यक्ति का दिल परमात्मा का ही दिल है, परमात्मा के साथ ही जुड़ा है। हर एक इंसान, चाहे वो व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो, जहां तक हमारा प्रयास हो, हम किसी व्यक्ति का दिल ना दुखाएं। हर दिल के अंदर परमात्मा का ही वास है, ऐसा हम सदा से सुनते आए हैं और ऐसा मेरा डायरेक्ट अनुभव है। इसलिए किसी भी व्यक्ति का दिल ना दुखे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। अगर किसी भी कारण से किसी का दिल दुखा ही दिया गया, तो तुरंत माफी मांगने का प्रयास करें। माफी मांगने से आपके हृदय का बोझ भी कम हो जाता है और सामने वाले व्यक्ति को भी मन को शांति मिलती है, तो आपके ऊपर उसकी नेगेटिव बातों का असर कम होता है। इसलिए प्रयास करें कि किसी का दिल ना दुखे। दूसरा मुख्य अवगुण जिससे भगवान नाराज होते हैं, वो है स्त्रियों का अपमान या स्त्रियों की तोहीन करना। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं, और जहाँ नारियों का अपमान होता है वहाँ से सभी दिव्य शक्तियाँ जगह को छोड़कर भाग जाती हैं। तो कोशिश करें किसी भी तरह से कि कभी भी किसी भी नारी का अपमान ना करें, चाहे वो बेटी, बहन, पत्नी के रूप में हो, चाहे वो माता के रूप में हो, चाहे वो किसी भी अन्य रूप में हो। नारियों का अपमान परमात्मा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए पूरा प्रयास कि स्त्रियों का अपमान आपसे कभी ना हो। कभी गलती से कुछ ऐसा हो तो उसके लिए तुरंत माफी मांगकर अपने आप को इस पाप से मुक्त कर लें। अर्थात जहां तक हो सके कर्म बंधन से मुक्त रहने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी नया कर्म बंधन नहीं बांधना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर बेईमानी करता है, कोई व्यक्ति अगर किसी से पैसा मारता है, किसी का हक मारता है, तो परमात्मा को ये बहुत बुरा लगता है। किसी भी व्यक्ति का हक ना मारें, किसी भी व्यक्ति के जीवन से खिलवाड़ ना करें। दूसरों का हक मारने वाले लोग, इंसान परमात्मा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। चौथा सबसे बड़ा अवगुण जो किसी भी इंसान में परमात्मा को पसंद नहीं आता, वो पशु पक्षियों, जीव जंतुओं के प्रति दया का भाव न रखना, उन्हें कष्ट पहुंचाना, शारीरिक या मानसिक स्तर पर किसी भी तरह का कष्ट पहुंचाया हुआ परमात्मा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। जो लोग जानवरों का मांस खाते हैं या उन्हें मारते हैं, तकलीफ देते हैं, तो ऐसे लोगों से परमात्मा जरूर रुष्ट रहते हैं। और पांचवा कारण है असत्य बोलना, झूठ बोलना। जो लोग असत्य बोलते हैं वो किसी और का दिल दुखाने से पहले सबसे पहले अपने मन को ही कमजोर बनाते हैं, अपनी आत्मा को कमजोर बनाते हैं। असत्य भाषण से आपकी आत्मा कमजोर होती है और आपके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को भी कष्ट होता है। इसलिए प्रयास करें कि आपके किसी भी मन से, वचन से, कर्म से कुछ भी असत्य ना हो, झूठ ना हो। झूठ भगवान को पसंद नहीं और कपट भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं। झूठ और कपट एक जैसे मिलती जुलती सी बातें हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ किया हुआ कोई भी धोखा, कोई भी ऐसी चीटिंग जो झूठ बोलकर की गई हो, परमात्मा को बिल्कुल पसंद नहीं आती। भगवान रामचरितमानस में फरमाते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो कपट करने वाले, छल छिद्र करने वाले लोग भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। इसलिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए जहां तक हो सके एक सच्चरित्र अपनाकर अपनी आत्मा का कल्याण करें, अपने इष्ट गुरु भगवान की प्रसन्नता पाने का प्रयास करें। वीडियो शॉर्ट ही रखूंगा, बात को यहीं समाप्त करता हूं। अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना, कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।